किड्स भक्ति से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें और YouTube ऐप पर बेल आइकन को प्रेस करें। लो, वहाँ पशु पक्षी पानी के बगैर प्यासे मर रहे हैं और मुनिवर आराम करने बैठ गए। मैं तो थक गया चलते चलते। मुनिवर भी थके हुए हैं, कहीं सो गए तो ना जाने कितना समय व्यर्थ हो जाए। हाँ, परंतु हम क्या कर सकते हैं? हाँ, मुझे एक युक्ति सूझी है, तू यहीं बैठकर तमाशा देख। नहीं, अरे मूर्ख, ये क्या किया? मेरी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया, काले मुंह के राक्षस, मैं तुझे श्राप देता हूं। अरे गणेश जी, आप क्षमा करें मुनिवर, समय नष्ट हो रहा था इसीलिए मैंने आपका कार्य आसान कर दिया। वो देखिए, धन्य हो प्रभु, मुझसे पहचानने में भूल हुई, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। नहीं मुनिवर, आपने तो पृथ्वी लोक के भलाई के लिए बहुत बड़ा कार्य किया है। युगों युगों तक ये कावेरी नदी इसी तरह बहती रहेगी और इसका जल प्राणियों को जीवन दान देगा। सुनो सुनो मित्रों, एक खुशखबरी है, मेरा छोटा भाई आया है। बधाई हो, इसलिए लड्डू बांट रहे हो? बांट नहीं रहा हूँ, मैं तो खा रहा हूँ। तुम्हें चाहिए तो माता पार्वती से मांगो, थोड़े मेरे लिए भी ले आना। ये सब लड्डू अकेले ही खाएंगे। छोटे भाई कार्तिकेय को बहुत प्यार करते थे, परंतु दो भाइयों के बीच अक्सर प्यार भरी तकरार जरूर होती है। गणेश जी को किताबें और ग्रंथ पढ़ने का बहुत शौक था और वे हमेशा पढ़ते रहते थे, परंतु कार्तिकेय तो शूरवीर योद्धा था।
चलिए, झरने पर हमें स्नान करने चलना है। तुम ही जाओ कार्तिक, आज भोजन की मात्रा थोड़ी अधिक हो गई है, मुझे नींद आ रही है। बहुत अधिक खाकर आप बड़े आलसी हो गए हैं भैया। हाँ, व्यर्थ की बात है, मैं तुमसे अधिक चुस्त और फुर्तीला हूँ। रहने दीजिए भैया, आप तो मेरे साथ दौड़ भी नहीं पाएंगे। तुम मेरी शक्ति को नहीं जानते कार्तिक। नारायण नारायण, आप दोनों में से कौन अधिक सक्षम है, इस बात का निर्णय तो एक स्पर्धा से ही हो सकता है। कैसी स्पर्धा मुनिवर? आप दोनों ही पूरे विश्व के 3 चक्कर लगा कर आए, जो पहले वापस आकर अपने माता पिता को प्रणाम करेगा वही विजयी घोषित किया जाएगा। नारायण नारायण। पूरे विश्व के 3 चक्कर, मैं मूर्छित हो रहा हूँ प्रभु। मुझे स्वीकार है। मुझे भी स्वीकार है। चक्कर पूरे हो गए मुनीवर। कैसे, आप तो यहाँ से गए ही नहीं। अब तो सब जानते हैं मुनीवर, मेरे माता पिता में पूरा विश्व समाया हुआ है, उनका चक्कर लगा लिया तो हो गया पूरा विश्व का चक्कर। सचमुच आलसी हो गए आप। इन्होंने आपसे पहले ही विश्व के 3 चक्कर पूरे कर लिए हैं और ये विजयी घोषित भी हो चुके हैं। नारायण नारायण। नहीं, भैया ने जरूर कोई चालाकी की है। चालाकी नहीं, बुद्धिमानी। नारायण नारायण। अच्छा भैया, अगर आप सचमुच दुनिया के 3 चक्कर लगा के आए हैं तो बताइए आपने क्या क्या देखा। 7 महाद्वीप, 4 महासागर, हिमालय पर्वत के सबसे ऊंची चोटी और विश्व की सबसे लंबी नील नदी देखी। और बताऊं? बस बस, आप विजय हुए। लेकिन ये कैसे हो सकता है? एक छोटी सी युक्ति से, परंतु आज मुझे विश्वास हो गया है कि मेरा छोटा भाई भी कुछ कम नहीं। वास्तव में आज के इस स्पर्धा के सच्चे विजेता तो तुम ही हो। Ha 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 ha
मूर्ख मूषक गिरा क्यों दिया? मैं क्या करूं? ये सर्प अचानक मार्ग में आ गया। क्षमा करें प्रभु, क्षमा करें, मैं जरा जल्दी में था। मेरे सारे लड्डू गिरा दिए। अच्छा, अब तू ही इनको संभाल के रख। अब कहाँ भागेगा? प्रभु प्रभु, जरा संभाल करवा दिए, लगती है। मोटे गणपति पिलपिले लड्डू लेकर गिर पड़े। मेरा मजाक उड़ाता है दुष्ट चंद्रमा। जा, तेरे चेहरे की चमक जिस पर तू इतना गर्व करता है नष्ट हो जाएगी। प्रभु, तू अपनी चांदनी नहीं बिखेर सकेगा। जो भी तुझे देखेगा उसे भी कलंक लग जाएगा। नहीं, नहीं। क्षमा करें प्रभु, मैंने दुर्भावना से कुछ नहीं कहा। मैं तो सहज मखौल कर रहा था, मुझे क्षमा करें। ये काला मुंह लेकर मैं कैसे जीऊंगा? आपका हृदय विशाल है, मैं आपकी शरण में हूँ भगवान। मेरी चमक मुझे वापस लौटा दीजिए, मुझे क्षमा कीजिए प्रभु, क्षमा कीजिए। क्षमा करें प्रभु, क्षमा करें। उठो चंद्र, आप स्वयं देवता हैं। किसी की शारीरिक कमजोरियों पर मजाक उड़ाना आपको शोभा नहीं देता। आप सत्य कह रहे हैं श्री गणेश, भविष्य में मैं कभी ऐसी भूल नहीं करूंगा, मुझे क्षमा करें। जी हाँ प्रभु, चांद की चांदनी नहीं रहेगी तो रात्रि का क्या आनंद। चंद्रदेव, मैं आपको दिया हुआ श्राप पूरी तरह वापस तो नहीं ले सकता, परंतु ये वरदान देता हूँ कि आपके चेहरे की चमक धीरे धीरे जाएगी और धीरे धीरे वापस लौट आएगी। सृष्टि के लोग आपकी चांदनी से वंचित नहीं होंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।